अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास वन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ साइंस बुक। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 10। यू कैन सी द एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। टुडे वी आर गोइंग टू डू दीज एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक्टिविटी, राइट द रेलेवेंट सेंसेस। हमने मुतलका सेंसेस के नेम राइट करने हैं सेंसेस के, ठीक है। फर्स्ट कौन सी सेंस है? We can see with the help of our eye, sight. So let's write over there sight. We can see the with the help of our eyes. Next कौन सी sense है? Hearing. We can hear with the help of ears. We can hear with the help of our ears, hearing sense. Hearing. आपने भी write करना है students ऐसे ही। Next कौन सी sense है? Smelling. Smelling. We can smell with the help of our nose. तो यहाँ पे write करेंगे smelling. See the next sense. Which sense is this? Taste. Sense of taste. We can taste with the help of our tongue. यहाँ पे लिखेंगे taste. Next कौन सी है? Touch. We can feel touch with the help of our skin and hands, right? Touch, touch sense. So ये exercise हो गई complete. Let's start next exercise. Answer these questions. Answer करना है आपने, इन questions के answer write करने हैं अपनी notes copy पर, write करने हैं और learn भी करने हैं. Let's start. Student, you can see the page, answer questions. First we have to read it. So let's start reading. First question, how many senses do we have? हमारे पास कितनी senses हैं? We have five senses. हमारे पास five senses हैं, पांच senses हैं, ठीक है. Next question है, what is use of our eyes? हमारी आँखों का इस्तेमाल क्या है? वी कैन आंसर देखेंगे, वी कैन सी, हम देख सकते हैं डिफरेंट थिंग्स, मुख्तलिफ चीज़ें विद आर आइज, हमारी आँखों की मदद से हम अपनी आँखों से मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है. हमारी आँखों का ये काम है, हमारी आँखों का इस्तेमाल ये है, ठीक है. वट इज़ यूज ऑफ आर नोज, हमारी नोज का क्या है यूज़, हम कैसे यूज़ करते हैं हमारी नोज़ को? आंसर है वी कैन स्मेल, हम स्मेल कर सकते हैं थिंग्स, चीज़ें विद आर नोज, हमारी नाक के ज़रिए से, ठीक है. वी कैन स्मेल थिंग्स विद आर नोज, हम अपनी नाक के ज़रिए से कि अपनी नाक की मदद से चीज़ों को सूंघ सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज़ यूज फॉर टेस्ट, कौन सा अज़ू है जो इस्तेमाल होता है टेस्ट करने के लिए, डिफरेंट थिंग्स, मुख्तलिफ चीज़ें जो हम खाते हैं उसके लिए कौन सा अज़ू इस्तेमाल होता है, ऑर्गन कौन सा होता है? आंसर देखेंगे, वी टेस्ट विद आर टंग, हम टेस्ट करते हैं अपनी ज़ुबान से, ठीक है. तो ये आंसर क्वेश्चन है, आपने इनको राइट करना है अपनी नोट्स कॉपी पर और याद भी करने हैं. फ्राइडे और सैटरडे टू डेज होते हैं, आपने इनमें आना है स्कूल में और मुझे चेक करवा के जाना है अपना होमवर्क. कम टू बुक स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज. चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, हमने वर्ड्स चूज़ करने हैं फ्रॉम द बॉक्स, ये जो बॉक्स है इसमें वर्ड्स हैं, इनको इन चूज़ करना है एंड फिल इन द ब्लैंक्स.
और हमें इनको फिल करना है ब्लैंक्स में। ये देखें ब्लैंक्स है, तो इनमें फिल करना है। फर्स्ट कौन सा है? स्मेल। स्मेल किस बॉडी पार्ट की हेल्प से हम स्मेल कर सकते हैं? स्किन से, नोज से, आईज से, टंग से या ईयर से? स्मेल करते हैं हम अपनी नोज़ की हेल्प से, तो यहाँ पे नोज़ राइट करेंगे। वी कैन स्मेल विद द हेल्प ऑफ आवर नोज़। वेरी गुड। साइट, देख सकते हैं कौन से पार्ट की हेल्प से? आईज। विद द हेल्प ऑफ आईज वी कैन सी थिंग्स। टच, व्हाट पार्ट ऑफ बॉडी दैट हेल्प अस टू टच थिंग्स? स्किन। स्किन हेल्प अस टू फील टच डिफरेंट थिंग्स। हेयरिंग, व्हाट पार्ट ऑफ बॉडी दैट हेल्प अस हेयरिंग समवन? ईयर्स। ईयर्स हेल्प अस टू हेयर समवन। टेस्ट, व्हाट बॉडी पार्ट हेल्प अस टू टेस्ट द थिंग्स दैट वी ईट? टंग। राइट टंग ओवर देयर। वेरी गुड। दिस एक्सरसाइज ऑल्सो कम्प्लीट। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। पुट टिक फॉर ट्रू। आपने टिक लगाना है ट्रू के लिए। क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। क्रॉस लगाना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। पहले हमने ये सेंटेंसेज रीड आउट करने हैं, देन हमने देखना है कौन से रॉन्ग है कौन से राइट। तो हमने टिक एंड क्रॉस लगाना है। लेट्स स्टार्ट। वी स्मेल विद आर ईयर्स। नो, वी कैन नॉट स्मेल विद आर ईयर्स, वी कैन स्मेल विद आर नोज। क्रॉस, we smell with our nose. Yes, this is the right answer. We can smell with our nose. There are five senses. Is there are five senses, students? क्या five senses होती हैं? Yes, five senses होती हैं. Speaking is one of the senses. No, speaking is not the sense. Even the taste is the sense of tasting. Is a sense. So this is cross. This exercise is also complete. Let's start next exercise. Complete the sentences. हमने इन sentences को complete करना है with the help of the picture. Picture की help से, ये देखें जो picture show हो रही है, इसकी help से हमने ये sentences को complete करना है. I can dash the sky. ये देखें ये क्या कर रहा है? सी, देख रहा है। आई कैन सी द स्काई। नेक्स्ट कौन सा है? आई कैन डैश द रोज। ये क्या कर रहा है? स्मेल कर रहा है। तो यहां पे क्या राइट करेंगे? आई कैन स्मेल द रोज। स्मेल। नेक्स्ट कौन सा है? आई कैन डैश इट। ये क्या कर रहा है? ये टेस्ट कर रहा है जूस को, तो यहां पे हम लिखेंगे टेस्ट। आई कैन टेस्ट इट। नेक्स्ट कौन सा है? आई कैन डैश माई फ्रेंड स्पीकिंग। आई कैन हेयर, सुन सकता है वो, ठीक है। ये देखो कॉल पे सुन सकता है वो अपने फ्रेंड को बोलते हुए। आई कैन हेयर My friend speaking. Next कौन सा है? I can dash it cold. I can touch. ये touch कर रहा है, तो इसे feel हो रहा है ये cold है क्योंकि ये ice cubes हैं, ठीक है। Right, touch over there. Touch. This exercise is also complete. Let's start next. Choose the right answer. हमने right answer choose करना है. So let's start. A person who cannot see. एक आदमी, एक शख्स जो सुन नहीं, जो देख नहीं सकता, तो वो क्या होगा? Deaf, dumb, blind. क्या वो सुन नहीं सकता? क्या वो
देख नहीं सकता, ब्लाइंड का मतलब होता है ना देखना, जिसे देखा देख नहीं सकता जो, ठीक है, उसको हम कहेंगे ब्लाइंड। तो ये टिक है। अ पर्सन हु कैन नॉट हेयर, एक शख्स जो सुन नहीं सकता तो वो क्या है, डेफ, जो सुन नहीं सकता उसको कहेंगे डेफ, ठीक है। वी हेयर विद आर हेयर्स ईयर्स आइज, टेल मी स्टूडेंट्स विच सेंस हेल्प अस टू हेयर ईयर्स, राइट, ईयर्स हेल्प अस टू हेयर समवन, वी सी विद आर आइज स्किन नोज, वी सी विद आर आइज, द आइज हेल्प अस टू सी थिंग्स, सो द आइज इज राइट आंसर, वी टच विद आर हैंड्स स्किन फीट, वी टच विद आर हैंड्स। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज वेरी केयरफुली, वी कंप्लीट आवर एक्सरसाइज, यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।